यह दोस्तों मैरियट द हेक, ये आपको पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पे वॉक पे निकला था, नियर बाई ए ग्रॉसरी शॉप तक गया हूँ, 2 किलोमीटर चल के और 2 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो ये है जनाब इसका मैरियट द हेक, और यहाँ आसपास सब सरकारी बिल्डिंग्स हैं। देख लें आप, वो सामने आपको झंडे नज़र आ रहे होंगे, ये देखेंगे। अभी एक म्यूज़ियम को मैं क्रॉस करके आया हूँ और ये इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये है तो शहर के सेंटर में, लेकिन इसके आसपास कोई ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह नहीं है। तो अगर हम यहाँ रहते हैं तो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा या उबर करके जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो मैं कल रात आया हूँ यहाँ पे, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ इसके अंदर और आपको ये दिखाता हूँ कि कैसा है ये। यहाँ भी हमारी एक एक्सीबिशन चल रही है, वो सामने देखें झंडे वंडे लगे हुए सारे, ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं। ये है जनाब मैरियट द हेक, इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेसी का इशू भी, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही वीडियो बनाऊँ। तो ये आप यहाँ से देख लें, इस तरफ ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ ब्रेकफास्ट होता है, और इस तरफ इनका बार वगैरह बना हुआ है, और ये लिफ्ट है 8 फ्लोर में मैंने अब जाना है। ये है जनाब एलिवेटर, और अब मैं 8वें फ्लोर पर पहुँच गया हूँ, और ये इस तरफ मेरा रूम है। इस तरफ वेंडिंग मशीन है, अगर कोई पीने पिलाने का शौकीन है तो यहाँ से आइस ले सकता है, और ये मशीन है उसकी जूते पॉलिश की। तो ये अब आपको अपना रूम दिखाते हैं, कैसा रूम है हमारा। ये जनाब मैरियट की लॉबी में पहुंच गया मैं दाखिल, और ये मेरा कमरा है 282। तो ये देखते हैं कैसा है ये कमरा। ये है जनाब कमरा, ये मेरा लगेज पड़ा हुआ है अभी मैंने रखा है, और लाइट जला दे मुझे ज़रा, ये लाइट जलाई है जनाब मैंने। तो कमरे में दाखिल होते ही वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा वॉशरूम है ये भी, देखें ज़रा हर चीज़ टॉयलेटरीज। इस तरफ ये टब है बना हुआ, और ये सामान रखने के लिए ये हैंगर लगे हुए हैं, टॉवल्स पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो आइस इसमें ला सकते हैं, केटली पड़ी हुई है चाय बना सकते हैं, चाय का सामान भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें ये सेव बना हुआ है, और नीचे फ्रिज है ये इसमें, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब आगे आ जाए आप, तो ये बेड है, साइड टेबल्स हैं, और इस तरफ ये डेस्क बना हुआ है, आप लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हैं अपना। ये स्क्रीन लगी हुई है टीवी, ये लैंप है, ये छोटा सा यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा रखा हुआ अच्छा है, और ये इस तरफ जो है वो, तो ये 8th फ्लोर है, तो बिल्डिंग यहाँ पे, ये व्यू है, स्ट्रीट व्यू है, अभी तो खैर नज़र नहीं आएगा आपको, सुबह मैं आपको इसका व्यू भी दिखाऊंगा। और काफ़ी बुलंदी पे है चूँकि कमरा, तो इसलिए व्यू यकीनन अच्छा होगा। तो ये मैरियट द हेग है, हेग जो है वो कैपिटल है नीदरलैंड का। तो वहाँ अब मैं अगले 6 दिन यहाँ पे रुकने वाला हूँ, और यहाँ पे हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद एक एक्सीबिशन शुरू होगी रोथरडैम में, वो भी यहाँ से थोड़े फासले पर ही है। तो मैंने सोचा ये है कि मैं यहीं पे रुकूँगा, और
यहाँ से जाके शटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इवेंट वाले, तो यहाँ से जाऊँगा उस शटल सर्विस में, सुबह और शाम को उसमें वापस आया जाया करूँगा या ट्रेन ले लूँगा वापस अगर जल्दी आना हुआ। तो ये है जनाब ये कमरा, इसका किराया भी मैं आपको सुबह बता दूँगा कि कितना मैंने पे किया है। और ये देखें ये इस्त्री स्टैंड भी पड़ा हुआ है इस तरफ, तो काफ़ी स्पेशियस है। जगह थोड़ी तंग लग रही है मुझे क्योंकि मैं जिस कमरे में ठहर गया हूँ वो थोड़ा बड़ा था इससे। तो अभी अभी मैं पहुँचा हूँ, तो अभी जाकर मैंने नीचे थोड़ा सा खाना वाना खाया और वापस आया हूँ। यहाँ जो नज़दीक तरीन ग्रॉसरी है वो बंद हो गई हुई है और वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो कल जाऊँगा और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे पानी वगैरह होता है वो लेके आऊँगा। सुबह आपको इसका व्यू दिखाऊंगा भी बाहर से कैसा व्यू है इस कमरे से। और दोस्तों ये है व्यू मेरे कमरे से, सारा पार्क है मेरे सामने होटल के, यहाँ पे जंगल है एक तरह से, अभी बारिश हो रही है और फोग है बहुत ज़्यादा, बादल समझ लें फोग समझ लें, बिल्डिंग है सामने बड़ी बड़ी, बहुत प्यारा व्यू है। ये जनाब जी 8वें फ्लोर से हेग शहर का व्यू है, हेग शहर द हेग नीदरलैंड का। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया।